नमस्कार, न्यूज एंड व्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं पवन गुप्ता आप सभी के साथ। अभी हम आज पहुंचे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में और यहाँ पे हम चुनाव का माहौल है और यहाँ पे अध्यक्ष और महामंत्री बनने की होड़ लगी हुई है। इसी बीच हमारे साथ हैं राजमंगल पांडे जो कि अध्यक्ष पद प्रत्याशी हैं। तो आइए हम आ पहुंचे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो आइए राजमंगल जी से ही जानते हैं और उनसे ही पूछते हैं वो किस मुद्दे को लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और क्या इनका मुद्दा है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। जी सर, आपका नाम? राजमंगल पांडे, अध्यक्ष प्रत्याशी। अध्यक्ष सर, आप किस मुद्दे को लेके इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं? क्योंकि हर वर्ष एक कॉमन मुद्दा सारे छात्र नेता उठाते हैं, चाहे किसी पद के लिए, पानी, बिजली, सफाई, ये तो मुद्दा है ही है। हर वर्ष मुद्दा उठता है, इसका कुछ समाधान तो नहीं निकल पाता, शायद कभी कुछ होता है दिखावे के लिए। मेरा मुद्दा इस बार बिल्कुल अलग है। पढ़ाई का वातावरण, शिक्षा का क्षेत्र है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सबसे प्रमुख मुद्दा ही है। दूसरा, कैंपस के माहौल को ठीक किया जाए, जैसे कुछ बाहरी लोग यहाँ इंटरफेयर करते हैं, क्लासेस रेगुलर नहीं चलती हैं। मतलब मुख्य मेरा मुद्दा शिक्षा, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का तो शिक्षा और उसकी गुणवत्ता। जी, आपका मतलब मेन है कि आपका मुद्दा मेन शिक्षा को लेकर इस बार आप खड़े हैं। जी, आपका हमने पता चला आप पिछली बार भी चुनाव में खड़े हुए थे, तो क्यों आपने नाम क्यों वापस ले लिया था? देखिए, मैं पुराने संगठन से रहा हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जी। और कोई विशेष कारण नहीं था, केवल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मुझे कहा गया कि अगर आप अगले वर्ष की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं संगठन की सहमति से इस वर्ष के लिए बता। इस बार भी आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। जी, हमें ये बताइए इस बार क्या है कि एडमिशन प्रक्रिया सारी ऑनलाइन हो चुकी है, मतलब तो इससे क्या आप लोग के छात्र संघ चुनाव पे कोई असर पड़ा है इसका? देखिए, कहने को तो कह सकते हैं असर पड़ा है, लेकिन हम छात्र नेता हैं, हम छात्र हित की बात करते हैं, उस दृष्टि से देखेंगे तो असर तो चुनाव पर पड़ा है, लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा छात्रों के हितों की बात है। अगर ऑनलाइन हुआ है चीजें, अगर ऑनलाइन हुई है, छात्रों को सहूलियत हो रही है, मेरा व्यक्तिगत ये राय है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई छात्र, कोई छत्तीसगढ़ है, कोई मध्य प्रदेश, उसको यूनिवर्सिटी आने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है। सीधे एक बार एडमिशन लेता है और सीधे क्लास करना शुरू करता है। इससे पहले लोग परेशान होते थे, एक बार आएंगे काउंसलिंग कराएंगे फिर कोई इन्फॉर्मेशन, सारी चीज ऑनलाइन मिले, तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि बहुत अच्छा है। जी देखिए, हम एक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं। जैसे हर बार ये सुनने में आता है विद्यापीठ में चुनाव पे लेके लोग पिज्जा बांटते हैं, बर्गर बांटते हैं, मूवी टिकट देते हैं, जी ऐसी कुछ प्रक्रिया होते हैं, तो क्या आप ये सब आप भी कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रयास है कि नैतिकता पे लड़ा जाए चुनाव, शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार हो सकता है, हमारे कुलपति जी बहुत उसमें प्रयासरत हैं, हम लोग उनका सहयोग करेंगे। और कोई भी पिज्जा बर्गर चुनाव इस बार होने नहीं जा रहा है, केवल मुद्दों की राजनीति होगी, नैतिकता की राजनीति होगी, जो सच्चा होगा वो चुनाव जीतेगा। जी, ये तो रहे हमारे साथ राजमंगल पांडे। आइए देखते हैं कि अभी चुनाव में जीते हैं कि नहीं। राजमंगल पांडे जिंदाबाद।